नमस्कार। आज पंडित कमलापत त्रिपाठी जी की 115वीं जयंती पर इस जयंती समारोह के वेब समागम में जुड़े हुए सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर निर्मल खत्री जी, जो पूर्व सांसद हैं फैजाबाद के, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो जुड़ चुके हैं आज के समारोह की अध्यक्षता। संकट मोचन मंदिर के श्री महंत और आईआईटी बीएचयू के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र जी कर रहे हैं। हमारे साथ श्री ललितेशपति त्रिपाठी जी भी हैं, जो प्रपौत्र हैं स्वर्गीय पंडित कमलापत त्रिपाठी जी के। आज जब 2020 की एक ठहरी हुई दुनिया है, ठहरा हुआ विश्व है कोविड के संकट के चलते, तो इस दौर में जो परंपरागत विराट समारोह का जो स्वरूप हुआ करता था पंडित कमलापत त्रिपाठी की जयंती का, जो लगभग 5 दशक पुरानी परंपरा है उनके जयंती समारोह की काशी से, उसे एक वर्चुअल समागम के रूप में वेब माध्यमों के से हमें नियोजित करना पड़ा है। ये समय का धर्म है, समय का तकाजा है। कार्यक्रम का विधिवत हम शुभारंभ करें। सबसे पहले मैं श्री ललितेशपति त्रिपाठी जी से, जो मिर्जापुर में मड़िहान के पूर्व विधायक है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित कर और पूज्य पंडित कमलापत त्रिपाठी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके आज के कार्यक्रम का आरंभ करें। दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के उपरांत आज पंडित कमलापत त्रिपाठी जी की जयंती 115वीं जयंती है। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि लगभग 48 साल से पंडित कमलापत त्रिपाठी के समारोह की परंपरा, ऋषि पंचमी जो उनकी जन्म की तिथि विक्रम संवत से रही है और 3 सितंबर ईस्वी सन से उनकी जन्म तिथि रही है, इन दोनों तिथियों पर समागम आयोजित होता रहा है। काशी में ऋषि पंचमी के समागम की परंपरा 48 साल पुरानी है और इस वर्ष भी ऋषि पंचमी 3 सितंबर के पहले आई थी। वो कभी 23 अगस्त को इस बार थी, कभी पहले और कभी बाद में भी होती है। और 23 अगस्त को ऋषि पंचमी के दिन एक समागम काशी में आयोजित हो चुका है। उस समागम में कभी खुद पंडित कमलापत त्रिपाठी विराजते थे और पूरी काशी के प्रबुद्ध जन एक बड़े समारोह में जुटते थे। एक ऋषि पूजन की परंपरा की तरह पिछले 48 साल से ये समारोह काशी में होता रहा है। पंडित कमलापत त्रिपाठी का व्यक्तित्व एक वट वृक्ष जैसा व्यक्तित्व था। काशी उन्हें अपना गौरव कहती थी और काशी उसे ही अपना गौरव मानती है जिसके व्यक्तित्व की आभा से
राष्ट्रीय क्षितिज आलोकित होता। पंडित कमलापत त्रिपाठी के बहुआयामी व्यक्तित्व के जितने भी पहलू थे उन सब ने राष्ट्रीय जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। चाहे वो उनका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का समर्पित स्वरूप रहा हो, मात्र 15 वर्ष की आयु में जेल जाना, गांधी जी के दर्शन उससे पहले उनको हुए थे एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार। 1916 में जब गांधी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना के समारोह में आए थे और अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में उनका पहला राजनीतिक क्रांतिकारी भाषण हुआ था तो पंडित कमलापत त्रिपाठी महाजी 11 वर्ष की उम्र में वहां मौजूद थे और बेहद प्रभावित हुए थे काशी ने महात्मा जी के उस प्रथम दर्शन से, और उसके बाद उनके प्रति एक खिंचाव होता चला गया था। फिर जहां से वो अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत मानते थे 30 मई 1920 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब गांधी जी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने पहली बार रख रहे थे तो पंडित कमलापत त्रिपाठी की ड्यूटी महामना मालवीय ने उस कक्ष में लगाई थी जिस कक्ष में बैठक चल रही थी लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। उसे अपने सार्वजनिक जीवन यात्रा का उद्घाटक बिंदु मानते थे और तब से 1990 तक का 70 साल का सतत उत्कर्ष वाले यश का जीवन पंडित कमलापत त्रिपाठी ने जिया था, जिसमें पूरे 50 साल की उनकी संसदीय जीवन यात्रा थी 1937 के आरंभ से लेकर के 1987 तक पूरे 50 साल का संसदीय जीवन, पत्रकारिता का उनका जीवन, संपादक के रूप में उनका जीवन, एक लेखक के रूप में उनका जीवन और एक राजनेता के रूप में, राजनीतिक प्रशासक के रूप में उनका जीवन। तो इन सभी आयामों का जो प्रभाव काशी पर था, इस समागम में पूरी काशी के लोग, प्रबुद्ध लोग जुटा करते थे और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर निर्मल खत्री जी हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निर्मल खत्री जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तो रहे ही हैं। अध्यक्ष जब हुए थे तो लगा था कि कोई कांग्रेस की जहनियत का व्यक्ति उत्तर प्रदेश कांग्रेस का पहली बार बहुत लंबे अंतराल के बाद कह सकते थे कि अध्यक्ष बना था। स्वतः स्फूर्त सारे प्रदेश से कोई कस्बा नहीं रहा होगा, गांव गांव से उमड़ करके लखनऊ में लोग जुटे थे उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता, और हम सबको ये महसूस हुआ था कि जब कांग्रेस संस्कृति को जीने वाला व्यक्ति नेतृत्व संभालता है तो किस तरह से उसका प्रभाव होता है और अट्रैक्शन होता है। हम निर्मल जी के व्यक्तित्व और पंडित कमलापत त्रिपाठी के समागम में उनके आगमन, हम उनके जुड़ाव से इस वजह से भी अभिभूत अनुभव करते हैं कि जहां पंडित कमलापत त्रिपाठी कांग्रेस संस्कृति के एक प्रतिमान पुरुष थे और आज का जो नेतृत्व है कांग्रेस का उसमें निर्मल खत्री जी का व्यक्तित्व उसी प्रकार के कांग्रेस संस्कृति को जीने वाला और कांग्रेस की जहनियत का व्यक्तित्व है। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कि पंडित कमलापत त्रिपाठी अपने 70 साल के राजनीतिक जीवन यात्रा में विचारधारा, सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, दल और नेतृत्व के प्रति एक निष्ठा के प्रेरक प्रतिमान पुरुष थे। अविचल निष्ठा राजनीति में सिद्धांतों की, दल की और नेतृत्व की कैसे आदमी जिए इसकी प्रेरणा के स्रोत पंडित कमलापत त्रिपाठी थे और उसका रिफ्लेक्शन हम निर्मल खत्री जी के व्यक्तित्व में देखते हैं। उसी प्रकार की राजनीतिक एक निष्ठा का, सैद्धांतिक एक निष्ठा का, उसी प्रकार की नैतिक राजनीति की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब हम डॉक्टर निर्मल खत्री जी में देखते हैं, जो पंडित कमलापत त्रिपाठी के गुरु आचार्य नरेंद्र देव जी के दौहित्र भी हैं। मैं ज्यादा समय और नहीं लेते हुए मैं आदरणीय निर्मल खत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो मुख्य अतिथि के रूप में आज के इस ऑनलाइन वेब समागम
जो पंडित कमलापति त्रिपाठी के 115वीं जयंती का है उसे संबोधित करने की कृपा करें आदरणीय डॉक्टर निर्मल खत्री जी। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी व्याख्यान माला में भाग लेने का जो अवसर आज मुझे मिला है, मैं उसके लिए श्री राजेश पति त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सतीश राय जी और प्रिय ललितेश जी का आभार व्यक्त करता हूँ। 115वीं जयंती, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना जिसकी जीवन गाथा से बहुत कुछ सीखना हम सबको अभी बाकी है, लेकिन फिर भी माननीय सतीश राय जी के संबोधन के बाद जो शुरुआत में उन्होंने उद्गार अपने व्यक्त किए, जिसमें पंडित जी की उस जीवन यात्रा के महत्वपूर्ण अंशों को उन्होंने खुद समाहित कर लिया है, मैं भी कुछ उनके बारे में कहना चाहूंगा। मैं उसको कहने के पहले माननीय सतीश राय जी का आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में भी चंद शब्द इस महत्वपूर्ण अवसर पर कहे। यकीनन जिनकी जयंती को मनाने के लिए हम सब बैठे हैं, मैं समझता हूं कि आज उस आत्मा की तरफ से ये आशीर्वाद प्रोफेसर सतीश राय जी के मुखारबिंद से मुझे मिला है। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले आज की इस गोष्ठी के श्रद्धेय अध्यक्ष संकट मोचन मंदिर वाराणसी के श्री महंत श्रद्धेय मिश्र जी को मैं सादर नमन करता हूं। एक ऐसा व्यक्तित्व उनके रूप में इस पूरे देश को मिला है जिसने धार्मिक कर्मकांड से साथ साथ समाज राजनीति हर क्षेत्र में दिशा देने के लिए मुखरित होकर के अपनी बात को रखने का समय समय पर जिस व्यक्तित्व ने काम किया हो, प्रयास किया हो, इस रूप में आज मैं अपने समक्ष श्री महंत जी की अध्यक्षता में जो मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला है, इसे भी मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और उनको सादर नमन करता हूं, उनको सादर प्रणाम करता हूं और अपनी बात को शुरू करने के लिए काशी की धरती जो बाबा विश्वनाथ की धरती है उसको भी प्रणाम करना चाहूंगा कि उसी ने देश के प्रति एक समर्पित सत्याग्रही, एक विचारक, एक राजनीतिज्ञ, एक साहित्यकार, एक पत्रकार के रूप में विविध प्रतिभाओं के धनी पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को देश को सौंपा। इस काशी की धरा को फिर से मैं प्रणाम करता हूं, धन्य है ये धरा। जब प्रोफेसर सतीश राय जी अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने पंडित जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में बहुत सी चीजें कही। मैंने भी जो कुछ अध्ययन किया उनके शुरुआती दौर का, मैं गवाह तो उनके अंतिम दौर का रहा हूं, लेकिन शुरुआती दौर का जो मैंने अध्ययन किया उसमें जो मैंने देखा था और जो पाया था कि भले ही इनका परिवार साहित्य, दर्शन और धर्म के संदर्भ में बहुत बड़ा अपना योगदान देने वाला परिवार हो, लेकिन एक बड़ी खास बात थी इस परिवार की कि सनातनी परंपरा के साथ
बदलते सामाजिक परिवेश से जुड़ने की ये क्षमता रखता था। रूढ़िवादिता नहीं थी इस परिवार में, जिस कुल में पंडित जी का जन्म हुआ। और आज देखिए कि हम उनकी जयंती को मना रहे हैं एक नई विधा से, एक नई विधा। मैंने ललितेश जी से पूछा था कि भाई कैसे मुझे प्रकट होना होगा, अपनी बात कहना होगा, मैंने एक जूम शब्द सुन रखा था। उन्होंने कहा नहीं, ये कुछ दूसरा है। तो शायद मुझे पहली बार कुछ कहने का, कुछ बोलने का इस नई विधा में एक अवसर, इस नए एक ऐप के जरिए ललितेश जी ने, जो पंडित जी की पीढ़ी की जो वरासत है उसको लेकर के आगे चल रहे हैं, उसके जरिए प्राप्त हुआ। ये भी इस बात को साबित करता है कि यह ब्राह्मण कुल परिवार, धर्म जिसमें कूट कूट के भरी हो, भरा हो, सनातनी परंपरा से जो बंधा हो, वो परिवार बदलते परिवेश के साथ, सामाजिक मान्यताओं के साथ अपने को बदलने की क्षमता रखता है। प्रोफेसर राय जी ये सही कह रहे थे कि एक जिस वर्ष की आयु में उन्होंने अपने एक सक्रिय राजनैतिक जीवन की जो शुरुआत की, अमूमन वो उम्र ऐसी होती है 11 वर्ष की आयु, जिस समय व्यक्ति इतने बड़े निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, सोच उसकी विकसित हो और उसका परिवार भी उसे उस दिशा में जाने के लिए अनुमति दे। तो सोच विकसित हुई पंडित जी की, ये भी बताती है कि वो जन्म से कुछ मूल्यों को, कुछ गुणों को लेकर के इस समाज में अवतरित हुए थे। और धन्य वो परिवार इसलिए भी है कि उसने उन्हें अनुमति दी, उनके रास्ते को नहीं रोका जो 11 वर्ष की आयु से उन्होंने शुरू किया। और विभिन्न जेल यात्राएं उन्होंने की, कोई आंदोलन उस आजादी के दौर में ऐसा बचा नहीं था जिसमें उन्होंने जेल की यात्रा ना की हो। और एक सेनानी के साथ 50 वर्षों का जो उनका संसदीय जीवन का इतिहास भी मैंने देखा, विधायक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में, भारत सरकार के मंत्री के रूप में, प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, भारत देश में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, वो अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। खाली राजनीति के क्षेत्र में अपना योगदान नहीं, पंडित जी का साहित्य के क्षेत्र में भी योगदान रहा, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी योगदान था। हिंदी राजभाषा स्थापित हो, राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हो, उसमें एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। और यही कारण था कि जो हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके उन्नयन से जुड़ी हुई दो प्रमुख संस्थाएं, काशी नागरी प्रचारणी सभा और जो अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दोनों से वो जुड़े रहे और हिंदी के प्रति समर्पण, पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका योगदान, ये बताता है कि सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में एक मनीषी के रूप में वो हम सबके सामने नहीं आए, बल्कि जीवन का कोई क्षेत्र उन्होंने से उनसे छूटा नहीं जहां पर उनकी सेवाएं, उनका मार्गदर्शन इस देश को, देश के रहने वालों को न प्राप्त हुआ। मैं बात करना चाहूंगा कांग्रेस की। एक सच्चा कांग्रेसी
कांग्रेस के बारे में उनके इतिहास को मैं बताने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन एक बार उन्होंने कहा था एक सच्चे कांग्रेसी होने के संदर्भ में उनका जो एक उद्गार था, मैं उसको यहां पर उद्धृत करना चाहूंगा कि जिस प्रकार मैं चाह कर भी हिंदू धर्म और दर्शन से अपने आप को अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार कांग्रेस भी मेरी आत्मा का अभिन्न संस्कार है। ये बहुत बड़ी बात थी। और मैं समझता हूं कि जब कभी धर्म और राजनीति के संदर्भ में विरोधाभासी बात होने लगती है, राजनीति में धर्म का प्रवेश, धर्म में राजनीति का प्रवेश, तो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का जो जीवन दर्शन मुझे दिखता है, उनके जो काम दिखते हैं, नित्य पूजा पाठ, धर्म में सच्ची आस्था, और उसके बावजूद सनातन धर्म के सच्चे अनुयायी, अभी आपने मेरा उद्गार देखा कि कांग्रेस पार्टी और अपने धर्म और अपने दर्शन को किस तरीके से उन्होंने अपनी उसकी व्याख्या की। एक चीज उन्होंने यहीं पर यह भी हम सबके लिए इशारा किया, जिस तरीके से गांधी जी को अगर हम देखें, जिनको प्रथम बार पंडित जी ने काशी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मात्र 11 वर्ष की उम्र में देखा था और प्रभावित होकर के वो उनके साथ चल पड़े थे, उस गांधी जी का जो दर्शन था सत्य अहिंसा, ये कहां से मिला था गांधी जी को? धर्म से मिला था। हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सबके मूल मंत्रों पर, मूल वाक्यों पर अगर आप जाएंगे तो सद्भाव, सत्य, सब चीजें वहां दिखेंगी। और गांधी जी ने धर्म के उन्हीं सूत्र वाक्यों को लेकर के अपनी यात्रा शुरू की। इसलिए पंडित जी धर्म और राजनीति के साथ साथ जो अपना जीवन जीते हैं, मैं समझता हूं कि वो गांधी के एक सच्चे अनुयायी की परंपरा को ही आगे बढ़ाते हैं। और आगे चल करके जो उनका रूप दिखा, सनातन धर्म परंपरा में अग्रणी वह व्यक्तित्व, अयोध्या के संदर्भ में, अयोध्या के विवाद के संदर्भ में लोगों के ना चाहने के बावजूद भी, तमाम लोगों ने तरह तरह की राय दी होगी उस समय, 9 नवंबर 1989 को अयोध्या के लिए निकल पड़ता है कि नहीं, मुझे वहां पर रहना है और ये देखना है कि लोग गलत काम ना कर पाए, कानून को अपने हाथ में ना ले पाए। मैं उस समय सांसद था, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय उनके साथ रहा। बहुत आलोचनाएं झेली है पंडित जी ने अपने उस संदर्भ में, लेकिन उनके मन में जो भाव था, उन्होंने किसी व्यक्ति से, किसी पत्रकार से अपनी इस यात्रा के संदर्भ में कहा भी था कि जो इतिहास ने कांग्रेस पार्टी को जो धर्म निरपेक्षता का गार्जियन बनाया है, अगर वो काम हम नहीं करेंगे तो
तो कभी कांग्रेस के लोग ये ना समझें कि धर्म निरपेक्षता तो हार जाएगी लेकिन कांग्रेस जीत जाएगी। कांग्रेस नहीं जीतेगी क्योंकि वो धर्म निरपेक्षता की रखवाली है, इतिहास ने उसे यह सौंपा है। ये बात पंडित जी ने उस समय कही थी कि मैं इस लक्ष्य के अनुरूप ही इस यात्रा पर आया हूं। मुझे याद है कि मेरे जीवन का जो मेरा पहला चुनाव था 1977 का, उसमें भी पंडित जी का आशीर्वाद मुझे अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के दरमियान मिला था। बाद में विभिन्न रूपों में उनका दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। और उनके दर्शन से हर वक्त आशीर्वाद और प्रेरणा ही मैंने प्राप्त की है। आज इस अवसर पर उनकी 115वीं जयंती पर मैं यही चाहूंगा कि उस कुल ने, उस कुल की परंपरा ने, पंडित जी की जीवन यात्रा ने जो चीजें इस देश के सामने रखी, हम सबके सामने रखी, जिसको निभाने का काम भाई राजेश पति त्रिपाठी जी, प्रिय ललितेश पति त्रिपाठी जी अपने सहयोगियों के साथ बखूबी कर रहे हैं, ये निरंतरता ही सिर्फ प्राप्त ना करें बल्कि इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये सार्थक बने, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं बहुत आभारी हूँ फिर से कि मुझे फाउंडेशन के द्वारा बुलाया गया। मैं इस योग्य तो नहीं था कि पंडित जी के बारे में कुछ अपनी बातों को कह सकूं, क्योंकि तमाम विद्वान आपकी व्याख्यान माला में आए हैं, विभिन्न लोक साहित्यकार आए हैं। आज भी जिनके समक्ष मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, श्रद्धेय महत जी, उनके समक्ष भी मैं कहीं से कुछ शब्दों की उच्चारण करने में अपने आप को सामर्थ्यवान तो नहीं पाता था, लेकिन उन्हीं की कृपा से कुछ कहने का ये जो अवसर मिला, इसके लिए मैं फिर से आभारी हूँ फाउंडेशन का और पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को के प्रति शत शत नमन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय निर्मल खत्री जी ने। अभी जिस तरह से अपनी बातें रखी, पंडित कमलापति त्रिपाठी को विभिन्न संदर्भों में उद्धृत करते हुए, उनके सेकुलर अप्रोच को, धर्मनिरपेक्ष उनकी दृष्टि को, और कांग्रेस संस्कृति और कांग्रेस संस्कृति के मूल्यों, राष्ट्रीय आंदोलन से उपजे हुए मूल्यों के प्रति जो उनकी दृढ़ एक निष्ठा का भाव था, उन सब पर फोकस किया आपने। हम आपके उद्बोधन के लिए आभारी हैं। और पंडित कमलापति त्रिपाठी का पूरा व्यक्तित्व, जहां एक तरफ वो धर्मनिष्ठ थे वहीं धर्मनिरपेक्ष भी थे, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का अर्थ उनके लिए न तो धर्मांधता था और न धर्मविहीनता था। धर्म को वो जीने वाले व्यक्ति थे, धर्म उनके अपने जीवन का हिस्सा था, लेकिन धर्म की जो आध्यात्मिक और नैतिक चेतना है, उस आध्यात्मिक और नैतिक चेतना को महात्मा गांधी की परंपरा में वो राजनीति का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। क्योंकि बापू ने कहा था
कि नैतिकता से रहित राजनीति ग्राह्य नहीं है। साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात वो करते थे, तो पंडित कमलापति त्रिपाठी भी उसी प्रकार की आस्था और विश्वास के धनी थे। लेकिन जैसा निर्मल खत्री जी कह रहे थे कि उसमें किसी प्रकार की कट्टरता की कोई गुंजाइश नहीं थी, किसी प्रकार की संकीर्णता के लिए कोई स्थान उनके व्यवहार में, उनके व्यक्तित्व में हमको नहीं दिखाई देता था। और इसकी वजह ये थी कि ये संस्कार पंडित कमलापति त्रिपाठी को अपनी परंपरा से मिले थे। कई बार पंडित कमलापति त्रिपाठी व्याख्यान माला जो अभी संपन्न हुई है उसमें कई बार वक्ताओं ने उस प्रसंग का जिक्र किया कि ये जो निर्मल खत्री जी भी कह रहे थे कि अपनी मूल संस्कार जो धर्म निष्ठा के थे, उन संस्कारों के साथ युग संदर्भ से जुड़ करके चलने की गतिशीलता पंडित कमलापति त्रिपाठी के व्यक्तित्व में थी, और वो उनकी अपनी पारिवारिक परंपरा से मिली थी, जिसमें कभी रामानंद पति त्रिपाठी जी ने उनके पूर्वजों में दाराशिकों को संस्कृत और वेदांत काशी में पढ़ाया था। एक मुगल शाहजादा ज्ञान की पिपाशा लेकर के जब काशी आया तो किसी ने भी स्वीकार नहीं किया कि किसी विधर्मी को संस्कृत पढ़ाई जाए। लेकिन जब वो पंडित रामानंद पति त्रिपाठी की ड्योढ़ी पर पहुंचा तो उन्होंने उसे संस्कृत और वेदांत की शिक्षा दी। विराट विवरणम नाम का एक ग्रंथ भी दाराशिकों के कहने पर उन्होंने लिखा था, और विरोध भी हुआ उसका, लेकिन उन्होंने खुलकर के ये बात कही कि अपनी ड्योढ़ी पर कोई अगर ज्ञान की पिपाशा, ज्ञान की आकांक्षा लेकर के ज्ञान मांगने के लिए आता है तो उसे ज्ञान का दान देना ही सही और सच्चा ब्राह्मण धर्म है, और मैं उस ब्राह्मण धर्म से च्युत नहीं हो सकता। तो अपनी मूल प्रतिबद्धताओं के साथ हर युग संदर्भ से जुड़ करके चलने की गतिशीलता उस पारिवारिक परंपरा में भी थी, जिस परंपरा में पंडित कमलापति त्रिपाठी पैदा हुए थे, और काशी की जो जनाभिमुख संस्कृति है उस संस्कृति ने भी उन्हें वो संस्कार दिए थे। इसीलिए राष्ट्रीय राजनीति में पंडित कमलापति त्रिपाठी काशी की संस्कृति का जितना उत्तमांश था, काशी की संस्कृति में जो कुछ अच्छा था उसके वो ब्रांड एम्बेसडर थे राष्ट्रीय क्षितिज पर। और अब जैसा आप सब लगातार 25 अगस्त से सुन रहे हैं, 9 दिनों तक पंडित कमलापति त्रिपाठी व्याख्यान माला का क्रम चला है, जिसमें एक दिन व्याख्यान रोक करके हमने केवल प्रणब मुखर्जी जी के देहांत के नाते उस दिन उन्हें श्रद्धांजलि दे करके कार्यक्रम रोका था। बाकी 8 दिनों तक एक एक दिन में कई व्याख्यान, किसी दिन 3, किसी दिन 4, किसी दिन 2 व्याख्यान, और इस तरह से 2 दर्जन व्याख्यान संपन्न हुए। तो अब हम उन व्याख्यानों की छोटी क्लिप आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और उसी क्रम में कल जो व्याख्यान हुआ था उसका कल तक जितने व्याख्यान हुए थे उन सब व्याख्यानों पर आधारित एक क्लिप आप सुनेंगे, और उसके बाद कार्यवाही को, आज के इस समारोह की कार्यवाही को हम आगे बढ़ाएंगे। अंतर न हो इसलिए बता दूं कि पंडित जी की सोच क्या थी। अब देखें कि पंडित जी को रवायत कहां से मिली, पंथ निरपेक्षता की। अभी सुब्बाराव जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, हमारे युवजनों को बताना चाहिए कि पंडित जी का व्यक्तित्व तो कमाल कर रहा भाई, इनको रवायत में मिली है, इनके ब्लड में मिली है कि जब सारे पंडित एक मुसलमान को शिक्षा देने के लिए नहीं तैयार हैं तब पंडित जी का परिवार शिक्षित कर रहा है उसको, तो ये तो रवायत जाएगी ही परिवार में। और पंडित जी सही माने में हिंदू हैं, ठीक उसी तरह से जैसे सही मायने में गांधी हिंदू है, ठीक उसी तरह से जैसे सही मायने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या लोहिया हिंदू हैं। असल हिंदू वो होता है जो उसके तत्व को जानता है, और बाकी जो ये कथित
हिंदू होकर के घूम रहे हैं उसके तत्व को नहीं जानते, इसलिए ये बार बार हिंदू कहते हैं, लेकिन जो हिंदू होता है हिंदू कहता नहीं। तो ये हिंदू और मुसलमान से किया ईसाई, ये इसका भेद कभी इन लोगों ने किया नहीं, बल्कि उसके खिलाफ जम करके लड़े। तो पंडित कमलापति त्रिपाठी एक बहुत निष्ठावान धार्मिक आदमी, लेकिन बंद गले का नहीं है, बंद दिल का नहीं है, विशाल दिल के एक व्यक्तित्व था, ऐसे चाहिए। और पंडित जी को याद करता हूँ, उनके साथ कैसे कैसे लोग हमारे देश में हो गए। पंडित कमलापति त्रिपाठी, पंडित गोविंद वल्लभपन, और उधर सीबी गुप्ता, और उधर डॉक्टर संपूर्णानंद, और देश के चारों ओर देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कैसे छुने छुने एक एक भी। और गांधी जी का ये करिश्मा था कि सब तरह के लोगों को जोड़ दिया, और वो लोग भी ऐसे निकले कि आपस में, राजा जी तमिलनाडु के और शाह उनके लड़के शादी किया महात्मा गांधी के लड़के से, तो इस तरह से रिश्ता जोड़े। बहुत सारे सीखने को है, लेकिन आज के और भविष्य के भारत को और दुनिया को पंडित जी से सीखने का है, दिल विशाल बना के रखो, दिल विशाल बना के रखो। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि जब संविधान सभा में इंडिया का नाम रखा जा रहा था तो एक संशोधन प्रस्ताव पारित होना था। पंडित जी ने उस प्रस्ताव को पारित किया था, और भारत नाम पंडित जी के उस संशोधन प्रस्ताव के बाद ही रखा गया। मैं उसके कुछ वाक्य आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि कितनी बढ़िया भाषा में उन्होंने उसको कहा, जो आज लोग कहते हैं कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं, कांग्रेस की विचारधारा का मजाक उड़ाते हैं, उसको जब आप सुनेंगे तो आपके समझ में आएगा कि कांग्रेस की क्या विचारधारा थी। जो बीच में कहा मैं बीच में लेता हूं, जब कोई देश पराधीन होता है तो अपना सब कुछ खो देता है। 1000 वर्षों की अपनी पराधीनता में हमारे इस देश ने भी अपना सब कुछ खो दिया। हमने अपनी संस्कृति खो दी, अपना इतिहास खो दिया, हमने अपना सम्मान खो दिया, हमने अपनी मनुष्यता खो दी, हमने अपना गौरव खो दिया। ये सब करते करते उन्होंने कहा कि सभापति जी, मुझे भारत के इस शब्द से बड़ा प्रेम है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करने मात्र से हमें अपने देश के सहस्त्राब्दियों की संस्कृति क्षण मात्र में दिखाई देने लगती है। मैं समझता हूँ कि इस धरती पर कोई दूसरा ऐसा राष्ट्र नहीं जिसके जीवन का इतिहास, जिसका सांस्कृतिक प्रभाव और जिसका नाम सहस्त्रों वर्षों से इसी प्रकार जब तक चला आता है जैसे हमारे देश का चला आता है। धरती के अंक में कोई ऐसा देश नहीं जिसने इतने पद, दलन, इतने अपमान और इतनी लंबी पराधीनता के बाद भी अपने नाम, अपनी आत्मा को किस प्रकार रखने में सुरक्षित समर्थित हुआ हो। और साहब लास्ट में देखिए जो उन्होंने कहा वो तो कमाल कर दिया है। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान कृष्ण के वह शब्द याद आ जाते हैं जिसके द्वारा उन्होंने इस देश के जन समाज को उस व्यवहारिक दर्शन का उपदेश किया था जिसके द्वारा आज के संसार का मानव भी सतगत को प्राप्त कर सकते हैं। इस शब्द का उच्चारण करने से हमें भगवान तथागत की याद आती है जिन्होंने ललकार कर संसार से कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, जीवन का संचालन करो और देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए उठो, जागो और संसार को ज्ञान के मार्ग का प्रदर्शन कराओ। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें शंकराचार्य का स्मरण हो आता है जिन्होंने संसार को एक नई दृष्टि प्रदान की। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान राम की उन विशाल भुजाओं का स्मरण हो जाता है जिसमें धनुष के प्रत्यंचा के टंकार से इस देश के असमुद्र हिमाचल अंतरिक्ष को गुंजारित कर दिया। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि भारत शब्द को रखने से, इसको ग्रहण करने से हम इस देश को एक स्वरूप प्रदान कर सकेंगे, इस देश को उसकी खोई हुई आत्मा को दे सकेंगे, इस देश की रक्षा कर सकेंगे। भारत एक महान राष्ट्र हो जाएगा जो संसार के रंगमंच पर
मानव जात की सेवा कर सकेगा। और उसके बाद एक सज्जन ने और, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूं उनका, एक सज्जन ने और प्रस्ताव में संशोधन पेश किया। और पंडित जी ने यह भी कहा कि देखो अपने देश में जल का कितना ज्यादा जल है, जल साधन है, जन संसाधन है, दोनों को हम जोड़ दें तो न हम बाढ़ में बहेंगे न तो सूखे में सूखेंगे, और उससे हमारा कितनी समस्याएं हल हो जाएंगी, साथ साथ जॉब भी मिलेगा, नौकरी मिलेगा, मनरेगा नहीं, मनरेगा का बाप उधर क्या सकता है अगर हम ऐसा करें, और बहुत चीजें चलती नहीं, बताऊंगा आपको, पंडित जी से प्रेरणा मिलता रहा। इसी तरह से पंडित जी जब डीटीसी के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया, तमाम उन्होंने एक ऐसी श्रृंखलाएं चलाई बस की जो सबको मालूम हुआ कि कितनी चल रहा है, शिपिंग में शिपिंग का टनेज बढ़ाया उन्होंने, समझौता नहीं किया, कोई चाहता था शिपिंग न बढ़ाए और साथ साथ शिपिंग का हम बेच दें, नहीं माना पंडित जी, बहुत ऊपर से प्रेशर आया, नहीं पंडित जी ने माना, पंडित जी की कृपा थी। फिर पंडित जी को मौका मिला रेलवे में जाने का, और रेलवे में जाने पर पंडित जी सुबह ही थोड़ी देर में 2-3 दिन बाद मालूम हुआ कि रेल बजट होगा 7-8 दिन बाद, रेल बजट पढ़ने के बाद हमको बोले कि तुमको किस लिए मिले हैं, गाली खाने के लिए, ये बताओ कि बंबई के लोग जो जाएंगे किस तरह से कहाँ से पैसा पाएंगे, किराया बढ़ रहा है और इस तरह से हमारा किराया नहीं बढ़ेगा, और तुम करो कि किराया मत बढ़वाओ और आगे जितनी और चीजें सब वो, और हमारा सरप्लस बजट होना चाहिए। अभी आपने क्लिप सुनी, जो व्याख्यान हुए थे उसमें कुछ लोगों की, आदरणीय डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी जो देश के प्रशस्त गांधीवादी, या यूं कहें कि गांधीवादी रचनात्मक आंदोलनों की जो परंपरा है उस परंपरा के इस समय सबसे बड़े संवाहक नायक हैं, वो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी से उनके जो व्यक्तिगत संपर्क थे, खास करके बनारस में उनके घर पर, औरंगाबाद में 3-4 दिनों तक अपनी युवा अवस्था में वो पंडित जी के आतिथ्य में रुके, पंडित जी के निवेदन पे उन्होंने खुद बताया कि के कामराज की जब सभा मैदागिन में हो रही थी, मैदागिन में टाउन हॉल का मैदान है, और उस सभा में शोर होने लगा, कामराज जी की बात समझ में आ नहीं रही थी किसी को, तो पंडित कमलापति त्रिपाठी खड़े हुए और लोगों को उन्होंने कहा कि आप लोग शांत होइए, और अभी एक नौजवान आपको अनुवाद करके बताएगा और सारी बात आपके समझ में आएगी, और फिर के एन सुब्बा राव जी को का नाम घोषित करके उन्हें उन्होंने आमंत्रित किया और उन्होंने अनुवाद किया उनके भाषण का। उसके बाद कई जगहों पे अनुवाद करना पड़ा उनको, जवाहरलाल जी की अध्यक्षता में भी, उनकी उपस्थिति में भी, कामराज जी के भाषण का। आपने चंचल जी को जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं उन्हें सुना, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे हो ओमकार सिंह जी को आपने सुना, और पंडित कमलापति त्रिपाठी के विशेष कार्य अधिकारी रहे रेल मंत्रित्व काल में या जहाजरानी और परिवहन मंत्रित्व काल में, इंदिरा जी के निजी सचिव रहे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री जे एन मिश्र जी, ये सारी क्लिप्स आपके सामने अभी हम लोगों ने प्रस्तुत की। अब पंडित कमलापति त्रिपाठी का जो पत्रकारीय व्यक्तित्व है, उनके पत्रकारीय व्यक्तित्व, उनके संपादक का जो उनका व्यक्तित्व था, उसके उसको दृष्टि में रखते हुए पंडित कमलापति त्रिपाठी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार की परंपरा उनके जयंती समारोह के अवसर पर पिछले कुछ वर्षों से चल रही, जिसमें बहुत सारे प्रशस्त पत्रकारों को, साहित्यकारों को हमने पंडित कमलापति त्रिपाठी पत्रकारिता सम्मान या साहित्य सम्मान से अलंकृत किया, विनोद दुआ जी को, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को, या साहित्य जगत की विभूति प्रोफेसर काशीनाथ सिंह जी को। तो ये इस परंपरा में इस वर्ष भी पुरस्कारों की घोषणा होनी है, क्योंकि वर्चुअल कार्यक्रम है, हम फिजिकली पहले की तरह समागम नियोजित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए
सबको बुला करके पुरस्कार वितरित करना संभव नहीं, लेकिन उसकी घोषणा ललितेशपति त्रिपाठी जी के द्वारा की जाएगी और वो पुरस्कार उन लोगों के पास ससम्मान पहुंचाया जाएगा पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन की तरफ से। कभी जब हम पुण्य प्रसून वाजपेयी को पुरस्कार ऑफर किया था हम लोगों ने, तो उन्होंने सीधा ही सवाल किया था कि आप क्यों देना चाहते हैं ये पुरस्कार मुझे, तो हमने उनको यही उत्तर दिया था। और फिर हम और पंडित राजेश पति त्रिपाठी जी जो फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं उनके आवास पर गए थे, तो फोन पे जब उन्होंने ये सवाल मुझसे किया था तो मैंने यही कहा था कि पंडित कमलापति त्रिपाठी स्वतंत्र पत्रकारिता के स्तंभ थे। उस आजादी के लड़ाई के दौर में उन्होंने जिस तरह से सन 42 के आंदोलन के शुरुआत के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आज अखबार में संपादक के रूप में ढाकते हुए अग्रलेखों की पूरी श्रृंखला उसकी माला स्वतंत्रता की महादेवी को आवाहित करके उनके गले में डाली थी, वो जहां हिंदी पत्रकारिता की अक्षय निधि है, वहीं उन अग्रलेखों का और आज अखबार के माध्यम से उनके संपादकत्व में जो वातावरण बनाया गया था उसका परिणाम ये था कि जितने शहीद स्मारक आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मिलेंगे उतने सन 42 के आंदोलन के शहीद स्मारक अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगे। तो बड़ा कालजयी योगदान था उनका पत्रकारिता में, वो स्वतंत्र पत्रकारिता के कायल थे। जब मानहानि बिल एक बार आया था तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था राजीव जी को कि बिल आप वापस ले लें, और उसके बाद बिल वापस हो गया था। उसकी पहली ही पंक्ति जो उन्होंने लिखी थी कि मैं मूलतः पत्रकार हूं, तो एक ऐसे प्रशस्त पत्रकार के नाम पर जब हमारा फाउंडेशन पुरस्कार देता है तो हम आपको पुण्य प्रसून जी को निवेदन किया हमने कि हम आपको उसी स्वतंत्र पत्रकारिता का आज के दौर का एक प्रतिमान पत्रकार मानते हुए ये पुरस्कार देना चाहते हैं, और उसके बाद उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया था। और इस वर्ष भी जिन दो पत्रकारों को हम ये पुरस्कार दे रहे हैं जिन्होंने एक संघर्ष भरी पत्रकारिता का प्रमाण इस दौर में दिया है, और पत्रकारिता और साहित्य से दो और सम्मान प्रदान किए जाएंगे, और उनकी घोषणा का आग्रह मैं ललितेशपति त्रिपाठी जी से करता हूं कि वो उनके नामों की घोषणा करें। धन्यवाद प्रोफेसर सतीश राय जी। हम लोगों के साथ आज इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महंत जी भी जुड़ गए हैं, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे राजनीति में खींचने का काम किया, आदरणीय निर्मल खत्री जी का वक्तव्य आपने सुना, और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग पंडित जी के नाम का एक पत्रकारिता सम्मान दिया करते हैं। इस वर्ष भी वो सम्मान दिया जाएगा वर्चुअली, शायद मेरे पत्रकार साथी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर वर्ष हम लोग जैसे सतीश राय जी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों को ये सम्मान दिया जाता है, पर इस वर्ष इस कोरोना काल में ये निर्णय लिया गया कि जो ग्रामीण पत्रकार हैं उन्होंने वास्तव में इस कोरोना काल में बिना अपनी जान की परवाह की ये प्रयास किया कि सही खबर सही सूचनाएं इस देश की सरकार तक पहुंचे और इस देश में रहने वाले नागरिक को पहुंचे, और उसी क्रम में ये निर्णय लिया गया कि उन ग्रामीण पत्रकारों को जो छोटे बड़े शहर में पत्रकारिता करते हैं इस साल ये सम्मान उन्हीं पत्रकारों को दिया जाएगा। इस क्रम में पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन ने यह फैसला लिया कि एक पत्रकार साथी जो बनारस में पत्रकारिता करते हैं
जिनको इस कोरोना काल के दौरान वो संक्रमित भी हुए, उनका इलाज भी चला, वो इलाज होके स्वस्थ होके फिर से पत्रकारिता अपनी शुरू कर दिए हैं, जन संदेश अखबार के संपादक विजय विनीत जी और दूसरे जिन्होंने पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की तरह सरकार को आईना दिखाने का काम किया था, आप लोग सब उनकी एक खबर से वाकिफ होंगे। मिर्जापुर के अहरौरा क्षेत्र के पवन जायसवाल जी, जिन्होंने वो नमक और रोटी वाला जो प्रकरण हुआ था मिड डे मील में, उसको देश के सामने और सरकार के सामने दिखाने का काम किया था। इस वर्ष इन दोनों पत्रकारों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं और उनका सम्मान का एक वीडियो भी अब हम लोग जारी करने जा रहे हैं। यही एक माध्यम है जिससे हम उनको उनका सम्मान दे सकते हैं। ये कोशिश रहेगा कि इनके पास भी ये सम्मान और जो धनराशि है वो पहुंचे। ये पवन जायसवाल जी का सम्मान है और अब विजय विनीत जी का सम्मान पुरस्कार हम लोग सार्वजनिक कर रहे हैं, लोकार्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ हर वर्ष पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का हिंदी सेवा सम्मान का भी एक पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष चेन्नई चेन्नई में हिंदी की शिक्षा एमए करने के बाद श्रावणी भट्टाचार्य जी को हिंदी सम्मान पुरस्कार दिया जा रहा है। देखने वाले को तो नहीं जोड़ेंगे। और साथ ही साथ पंडित कमलापति त्रिपाठी पत्रकारिता सेवा सम्मान, वरिष्ठ पत्रकार जनमुख की सरोज सिन्हा को दी जाती है। सरोज और अब अध्यक्ष संबोधन के साथ कार्यक्रम को हम आगे ले चलेंगे। हमारे बीच महंत श्री महंत संकट मोचन मंदिर काशी, जो ऐतिहासिक स्थल है सारे देश की व्यापक जन आस्था का, और हो भी क्यों ना, संकट मोचन मंदिर ही वो पवित्र स्थान रहा है जहां कभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बैठकर रामचरित मानस की रचना की थी, और राम भक्त की जिस परंपरा का प्रवर्तन स्वामी रामानंद जी ने इसी काशी की धरती से किया था, उसे एक जन आंदोलन बना दिया था गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस ने,
उस राम कथा को, उस राम भक्त की परंपरा को गांव गांव तक, खेत खलिहान तक, एक एक झोपड़ी और कुटी तक पहुंचाने का काम जिस रामचरितमानस के माध्यम से हुआ, उस रामचरितमानस की रचना इसी संकट मोचन मंदिर परिसर में बैठ करके कभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। और आज उसके श्री महंत विश्वंभरनाथ मिश्र जी हमारे बीच हैं। वो बीएचयू आईआईटी के प्रोफेसर हैं। पंडित कमलापत त्रिपाठी के व्यक्तित्व का जो स्वरूप है, जिसमें बड़ी जबरदस्त धुरी है, एक्सेल है परंपरा और आधुनिकता के बीच, वही धुरी तो हमें प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र जी के व्यक्तित्व में दिखाई देती है, या इनके पिताश्री प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी के व्यक्तित्व में दिखाई देती थी, जो संकट मोचन मंदिर के श्री महंत ही नहीं थे, वो भी उसी बीएचयू आईआईटी के वरिष्ठ आचार्य थे, प्रोफेसर थे। तो आज हमारे बीच जो परंपरा और आधुनिकता के बीच एक पुल सरी था, व्यक्तित्व पंडित कमलापत त्रिपाठी का था, उस व्यक्तित्व का एक प्रतिनिधि भूत स्वरूप काशी में, और काशी में बहुत समादृत जो व्यक्तित्व है प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र जी का, आज उनकी व्यस्तताएं थी, क्योंकि पहले ये कार्यक्रम तय हुआ था, जो व्याख्यान माला का कार्यक्रम जैसे सायंकाल प्रतिदिन 9 दिनों से चल रहा था, तो उसी क्रम में उसी समय जयंती समारोह का भी आयोजन होगा, पहले ऐसी योजना थी, लेकिन किंचित कारणों से उसमें परिवर्तन किया गया और दिन में 1 बजे यह कार्यक्रम हुआ। आज आपकी बहुत महत्वपूर्ण बैठक आईआईटी में थी, लेकिन इसके बावजूद आपने बैठक के दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी उसमें से समय निकाला और हमारे साथ आप कनेक्ट हुए हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री महंत प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र जी का, और उनसे करवद्ध प्रार्थना करता हूं कि आज के इस पंडित कमलापत त्रिपाठी जी की 115वीं जयंती के इस व्यक्त समागम को, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां ऋषि पूजन सी परंपरा थी ऋषि पंचमी के उनके जयंती समारोह की लगभग 5 दशकों की, उसे इस ठहरे हुए कोविड के दौर में इस वेब समागम का स्वरूप देना आज के समय का धर्म है। और इस वेब समागम के माध्यम से देश भर के लोग बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं और फिर YouTube पर भी स्थायी रूप से पूरे कार्यक्रम को देखने और सुनने का सिलसिला जारी रहेगा। मैं एक बार फिर प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र जी का उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र जी, सादर प्रणाम आप सबको। मैं धन्य हुआ कि आप लोगों ने हमें पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के जयंती समारोह में आमंत्रित किया। मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और सतीश जी आप तो एकदम प्रत्यक्ष सामने दिख रहे हैं, ललितेश जी भी दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा ऐसे, मतलब ये डिजिटल मीडिया मीडियम पे जो है इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा हम लोग को अनुभूति नहीं होती, लेकिन आज हमारी मजबूरी है, ये जो कोरोना काल है, पैंडेमिक्स है, लेकिन ये जरूर है कि हम लोगों को इसको दूसरे ढंग से सोचना चाहिए। हम लोगों का जो लालच है वो आज हमको इस दुराहे पे ले आके खड़ा कर दिया। तो फिर भी, और हमको याद है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के समय में भी ऐसे ही पैंडेमिक्स का युग था और उस समय उन्होंने बहुत काम भी किया। तो हम समझते हैं कि ये आत्ममंथन का समय है, हम अभी कहाँ जा रहे हैं ये हमको थोड़ा चिंतन करना चाहिए। और हम बहुत ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जरूर है कि मैं उन, कहिए कि भाग्यशाली सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी महाराज का सानिध्य हमको भी मिला है और हमारे घर से तो उनका एकदम पारिवारिक संबंध रहा है। लेकिन हम बहुत ब्रीफ में बताएंगे जो आज के समय में हम समझते हैं जरूरी है बोलना, और वो जो जरूरी है वो लोग आजकल स्किप कर जा रहे हैं। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी वाराणसी के ऐसे पुरोधा
जिनकी परवरिश और क्रमिक विकास ब्रिटिश राज में हुआ था, जब देश में नागरिकों का अधिकार बहुत ही सीमित हुआ करता था। उनका जीवन स्वतंत्र आंदोलन के साथ साथ पत्रकारिता जगत के साथ भी जुड़ा रहा है, और हम समझते हैं कि यही कारण था कि उन्होंने समाज के असली मर्म को समझा। आजकल मर्म समझने वाले कोई है नहीं ज्यादा। हमारे जो मन में आए मैं वही करूंगा, आपको जो सोचना है सोचते रहिए। लेकिन कमलापति त्रिपाठी जी का हृदय इतना विशाल था, वो मतलब दलित वर्ग हो या कोई बहुत बड़ा आदमी हो, जैसे भी हो, समाज के हर वर्ग को की बातें सुनते थे और उनके मर्म को समझते थे। और हम समझते हैं कि उनके जो कार्यशैली थी वो उसमें एकदम से परिलक्षित होती थी। उनका समाज और विकास की संकल्पना काशी की जनता के प्रति समर्पित थी, न कि आज की जो पूंजीवादी पोषित विकास के प्रति आजकल लोगों का दिख रहा है कि कुछ पैसा लाइए कुछ कर दीजिए, लोगों की आवश्यकता है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। और बनारस की आज उसी तरह दुर्दशा हो रही है। तो देखिए, जब जब हम संकट में फंसेंगे तो ऐसे महापुरुषों को हम याद करते रहेंगे कि इनके में कुछ तो था, कुछ तो तत्व था जो कि हम लोगों को एक आशा की हमेशा किरण, जैसे कभी हमको याद है कि उस समय हम लोगों का उम्र भी बहुत कम था, लेकिन अगर कोई बड़ी बात बनारस में या घटना या दुर्घटना कोई होती थी तो लोगों के मन में होता था कि पंडित जी हुआ सब हो जाए ठीक। तो ऐसा विश्वास हम समझते हैं कि किसी भी इस तरह का जो पॉलिटिकल सर्किल में लोग हैं, अब लोगों के मन में ऐसा नहीं है कि एक मुकाम था जहां हम जाके अपनी बातें कह सकते हैं। आजकल ये जो दौर है वहां लोगों का दर्शन, हम तो एकदम सिंप्लीफाई करके कहेंगे, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। आप कौन जानता है कि फिर आना है कि नहीं आना। लोग यही सब समझ के आजकल लोग अपना मूव कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि ऐसे ऐसे में जो आप देखिए पैसे और पद की लोलुपता को आदमी को कहां किस दौर में ले आके और कितना कमजोर बना दिया है कि वो तुरंत दल बदल करने के लिए तैयार है, समाज बदल करने के लिए तैयार है, घर बदल करने के लिए तैयार है, उसमें वो कभी हिचकता भी नहीं है। ऐसे लोग सर्वथा उद्देश्यहीन दिशाहीन होकर रह जाते हैं, और यही आजकल हमारे समय में, हम लोगों के समय में ये बहुत बड़ा संकट आज हो गया है कि आज देखिए ऐसे ही दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। और उनमें कुरीतियों और कोई भी गलत बात अगर हो तो उसमें प्रतिकार करने की ताकत भी नहीं रह जाती। हमें खुशी है कि आज पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की जयंती के अवसर पर उनके जीवन दर्शन को एक बार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का हमें अवसर मिल रहा है, जिसमें हम सब आत्मनिरीक्षण करें कि हम आज कहाँ किस दिशा में खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, वर्तमान राजनीतिक चेतना कहाँ जा रही है। एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि कमलापति त्रिपाठी जी का के कभी मन की बात नहीं किया करते थे, अपितु सबके मन की बात को सुनकर समझकर और सबको भावनाओं को आदर करते हुए उन्होंने बनारस का, मिर्जापुर का, चंदौली का, जौनपुर का जो सर्वांगीण विकास किया वो अनुकरणीय है। और आज भी विकास के नाम पर हम उधरी इशारा करते हैं कि देखिए ऐसे विकास हुआ है, लेकिन उसके बाद हम समझते हैं कि कॉन्क्रीट बनारस का कोई एक जो पैटर्न डेवलपमेंट, जो डिजायर डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है। यही एक चीज और हम ऐड करेंगे कि 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और सोनिया जी यही राजेंद्र प्रसाद घाट पे खड़े थे, और पंडित कमलापति त्रिपाठी जी वहां जो पेड़ है उसके नीचे एक छड़ी लेकर एकदम साधारण इंसान की तरह बैठे थे। हम समझते हैं ये उनकी भावना थी, उनकी सोच भी थी कि प्रधानमंत्री आके स्वयं यहाँ पर उस कार्यक्रम को उन्होंने एक तरह से शुरुआत किया, नदियों के प्रति सेंसिटिविटी, और उसके बाद भारत में कई जगह इस तरह के कार्यक्रम शुरू हुए, तो उसका भी गौरव हम समझते हैं बनारस को मिला और उसके माध्यम बने पंडित कमलापति त्रिपाठी जी। और उसके बाद देखिए जो फर्स्ट फेज में काम हुआ गंगा जी के प्रति, आज भी कोई कॉन्क्रीट नहीं हो रहा हो पा रहा है। हम समझते हैं कि ये कारण सिर्फ ये है कि जो लोग ऐसे प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व हैं उनको बनारस का मर्म वो नहीं जानते हैं, उसका उद्देश्य नहीं समझ पा रहे हैं, और यही कारण है कि सब हम लोग संकट में धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। बनारस की जो नगरीय व्यवस्था है, सड़क में जाम को, तो ये सब हम बहुत डिटेल में तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम जरूर कहते हैं कि उनके में चित्त की स्थिरता थी, और एक जो उन्होंने राजनीतिक सोच रखी
और एक राजनीतिक दल को के साथ वो हो लिए, वो जीवन में कितनी भी कठिनाई आई वो उन कठिनाइयों को भी आप सब जानते हैं कि जो एक कहा जाता अर्श से फर्श पर गिरना, तो वहां तक भी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन पंडित जी उनका हृदय इतना विशाल था और इतना मजबूत था और उनमें इतनी एकाग्रता थी और चित्त स्थिर था कि उन्होंने कभी उस राजनीतिक पार्टी को छोड़ा नहीं। कितने भी उनको उनके लिए तो सारे चीज ओपन थे, और हम समझते हैं कि अक्रॉस द पार्टी लाइन जो रेस्पेक्ट पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने एंजॉय किया वो हम समझते हैं किसी को उस तरह मिलेगा नहीं। तो हम समझते हैं कि उनको हम अपना हृदय से प्रणाम करते हैं और उनके राजनीतिक सोच को अपने हृदय में उतारें, उनके अप्रोच को हृदय में उतारें, लोगों के मर्म को समझें, और हम समझते हैं कि ये राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा होगी। आजकल हम संक्रमण के दौर से जरूर गुजर रहे हैं, और देखिए ये इस तरह की बात अगर होती है तो एक फिर अच्छा दिन जरूर आता है। तो आप सब एक अपने चित्त को स्थिर रखें और ऐसे बड़े लोग, और देखिए वो ट्रू गांधीयन फिलॉसफी से वो चलते थे, सबको साथ लेके चलने का उनका हृदय था, ये हम समझते हैं कि सबके बीच ये बात जानी चाहिए। और आप लोगों का इतना अच्छा फोरम है, आप लोगों का इतना अच्छा बैकग्राउंड है, और पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के भावनाओं को लोगों के बीच आप लाइए। हम समझते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा और ये देश फिर सुनहरा दिन देखेगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया ऐसे फोरम पर बोलने के लिए। कभी हम प्रत्यक्ष मिलेंगे आप सबसे तो और भी चिंतन हम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन जी, बड़े दिल से और अंतर्मन के भाव से आपने पंडित जी के प्रति अपने उद्गार रखे। और अब श्री ललितेशपति त्रिपाठी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो 9 दिन तक जो पंडित कमलापति त्रिपाठी इस प्रति व्याख्यान माला चली, और आज जिन विभूतियों ने हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता की मुख्य अतिथि के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के साथ अपने भावोद्गार व्यक्त करें। श्री ललितेशपति त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक मणिहान। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। महंत जी को एक बार फिर मेरा प्रणाम और धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में समय निकाला, आपकी बात ये दिखाती है कि हमारा और आपका जो पारिवारिक संबंध पिछले कई पीढ़ियों से चले आ रहा है आज भी उतना ही मजबूत है। पंडित कमलापति त्रिपाठी स्मृति व्याख्यान माला कार्यक्रम जो लगातार 25 तारीख से चल रहा है, आज उस पहले चरण का हम लोग समापन की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे आमंत्रित किया गया है कि मैं 2 शब्द धन्यवाद में बोलूं। मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब साथियों को जो इस 25 तारीख से लेके आज तक लगभग 10 दिन के कार्यक्रम में अपना समय निकाल के शामिल हुए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है 1 लाख से ऊपर इंप्रेशंस और लगभग 20,000 पेज व्यूज इस 10 दिन के बीच में इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को जोड़ने का काम किया है। हम लोग जब इस कोरोना काल और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के पहले जब जब बाबू का कार्यक्रम किया करते थे तो निश्चित रूप से ये मन में और ये एक चिंता सबको रहती थी कि पंडित जी के साथ जुड़े हुए लोग जो उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेश में किसी ना किसी कारण से बनारस उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं, उनको इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी और उनको इस कार्यक्रम से कैसे जोड़ा जाए, ये हमेशा एक चिंता रहा करती थी। मैं धन्यवाद दूंगा
सबसे पहले इस डिजिटल फॉर्मेट पे इस कार्यक्रम को चलवाने के लिए जिन साथियों ने पर्दे के पीछे दिन रात मेहनत करके एक सफल आयोजन हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किया, आदरणीय विजय शंकर पांडे जी, श्री बैजनाथ सिंह जी, श्री शैलेंद्र सिंह जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे भाई ऋषि उपाध्याय और भाई पुनीत मिश्रा जी, साथ में प्रोफेसर सतीश राय जी, जिन्होंने पहले कार्यक्रम से लेके आज तक हर एक कार्यक्रम का संचालन भी किया है। 25 तारीख को इन्होंने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया था और बाबू की पूरी जिंदगी पे इन्होंने अपनी बात रखी थी। दूसरे दिन प्रोफेसर राम पूजन पांडे जी, प्रोफेसर रवि शंकर पांडे जी, प्रोफेसर सदानंद शुक्ला जी, प्रोफेसर राम किशोर त्रिपाठी जी, प्रोफेसर गिरजानंद चौबे जी, इन्होंने बाबू और भारतीय संस्कृति पे अपनी बात रखी। तीसरे दिन के आयोजन में प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी, जिन्होंने बाबू की पत्रकारिता जीवन के बारे में प्रकाश डाला, और उसी दिन महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री और मिर्जापुर के रहने वाले माननीय चंद्रकांत त्रिपाठी जी ने भारतीय समाज और कमलापति त्रिपाठी जी पे अपनी बात और विचार रखी थी। तीसरे दिन प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी जी ने बाबू के बारे में और गांधी के बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने बाबू को महात्मा गांधी जी के का सच्चा अनुयायी और बाबू की दो पुस्तकें के बारे में उन्होंने जिक्र की, बापू और मानवता, बापू और भारत। उसी दिन प्रोफेसर राम पूजन पांडे जी का वक्तव्य 28 तारीख को मिर्जापुर के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी जी, प्रोफेसर सुधाकर मिश्र जी, प्रोफेसर ब्रह्मानंद शुक्ल जी, 30 तारीख को श्री जे एन मिश्रा जी, जो बाबू के साथ और इंदिरा जी के साथ बहुत नजदीकी से काम किए थे, उन्होंने बाबू के बारे में, उनके प्रशासनिक और राजनीतिक सोच के बारे में हम लोगों को बताने का काम किया। पूर्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव ओमकार सिंह जी, प्रोफेसर एस एन सुब्बी राव जी, महान लेखक और पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष श्री चंचल जी, और कल कार्यक्रम में पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी बस्ती के अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, परिवार के सदस्य विजय शंकर पांडे जी और डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। मैं इन सारे वक्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं और सारे साथियों से अनुरोध है कि सारी वीडियो अभी भी मेरे फेसबुक पेज पे हैं, जब भी आपके पास अवसर हो तो निश्चित रूप से इन वीडियो को देखिए। यूट्यूब पे ये सब अपलोड होंगी, और विशेष करके मैं आज के वक्ताओं को आभार व्यक्त करता हूं कि बाबू के जयंती के दिन वो अपना कीमती समय निकाले। हम लोगों के पूर्व अध्यक्ष और आचार्य नरेंद्र देव जी के नाती, जब बाबू काशी विद्यापीठ में अपनी शिक्षा प्राप्त करने गए तो इतिहास शास्त्र के शास्त्री आचार्य नरेंद्र देव जी थे, और बाबू के व्यक्तित्व और विचारधारा के निर्माण में बहुत बड़ा उनका योगदान था। उन्होंने गांधी
लोकतांत्रिक समाजवाद और इतिहास के अलावा विद्यार्थी जीवन में बाबू को उन आगे उन ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया, जिसके कारण से बाबू आगे चलते पत्रकार बने, एक लेखक बने और राजनीति में बहुत लंबे समय तक इस देश की सेवा में उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। बाबू के बारे में जैसे प्रोफेसर सतीश राय जी बता रहे थे, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बाबू की तरह आपका परिवार परंपरावादी भी है और साथ ही साथ आधुनिक भी है। आज के कार्यक्रम में और इस पूरे 10 दिन के कार्यक्रम में पत्रकारिता, हिंदी साहित्य, समाजवाद, सनातन धर्म, परंपरावादी के साथ आधुनिक होना, जो बाबू के व्यक्तित्व के अंदर भरी हुई थी, ये सारी चीज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों के बीच में प्रस्तुत हुई। मैं धन्यवाद दूंगा उन सारे पत्रकारों को जो इस पूरे कोरोना काल में सच सामने लाने की कोशिश की। जिस तरह से बाबू ने अपने पत्रकारिता जीवन में अंग्रेजी हुकूमत को आईना दिखाने का काम किया, मैं उन सारे पत्रकारों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष करके दोनों साथी भाई विजय विनीत जी और पवन जायसवाल जी को, जिनको आज पुरस्कृत किया गया। वो लोग इसी तरह से लिखते रहें, लड़ाई लड़ते रहें। हम लोग अपने स्तर से जो आपके लिए कर सकेंगे हम लोग करेंगे, क्योंकि ये पूरा परिवार एक ही है। आप सब लोग जुड़े, आप सब लोगों ने समय निकाला, उसके लिए मैं व्यक्तिगत फाउंडेशन की तरफ से और व्यक्तिगत अपने तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सबके आशीर्वाद के लिए मैं धन्यवाद करता हूं आपको और बाबू के चरणों में मैं अपना नमन अर्पित करता हूं। और अब धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत समापन की घोषणा से पहले हम सब हम एक मिनट का समय और लेंगे। आप सबको विदित है कि पंडित कमलापति त्रिपाठी के भी अच्छे सहयोगी साथी रहे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी का विगत दिनों देहावसान हो गया। पंडित कमलापति त्रिपाठी के साथ वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी थे और कांग्रेस के कामकाज में भी दोनों में गहरा तादात्म्य था। जब 2007 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पंडित कमलापति त्रिपाठी शताब्दी समारोह का आयोजन संसद भवन परिसर के ऑडिटोरियम में किया था, तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर कर्ण सिंह जी, मोहसिना किदवई जी, राहुल गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता जहां उपस्थित थे, वहां विदेश मंत्री के रूप में विशेष रूप से प्रणब मुखर्जी जी भी उसमें सम्मिलित थे। प्रणब मुखर्जी जी के देहांत से हम सबको बेहद कष्ट हुआ है। प्रणब मुखर्जी जी भारतीय राजनीति के एक ऐसे अनुभवी व्यक्तित्व थे जिनके परामर्श का कांग्रेस के भीतर या जो लोग भी सरकार में हो, उन सबको उनके परामर्श की दरकार होती थी और उनका परामर्श बेहद उपयोगी होता था। तो आज इस समारोह के इस समागम के समापन की घोषणा से पहले हम सब उनके प्रति अपनी भावपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और उन्हें
नमन करते हैं, उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं, पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन की तरफ से और अपने सभी जो साथी इस रथ समागम में जुड़े हुए हैं पंडित कमलापति त्रिपाठी के साथ जिनका एक भावनात्मक तादात्म है, उन सब की तरफ से मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं श्री प्रणव मुखर्जी जी को। नमस्कार, और इसी के साथ आज का ये समागम पूर्ण।